से एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अकेडमी डिफेंस स्क्वाड पे। हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एक बारी बच्चा पार्टी फटाफट से कमेंट वमेंट करके जरा बताओ मेरी ऑडियो वीडियो तुम लोगों को तो क्लियर है कि नहीं है, फिर हम लोग करते हैं इस धमाकेदार सेशन को भाई बढ़िया से स्टार्ट, है ना। हाँ जी, लेट मी नो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू और नॉट गाइज, लेट मी चेक यार, ऑल क्लियर और नॉट देखते हैं जरा प्यार से मोहब्बत से ना। हाँ जी, क्लियर है मामला? ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? हाँ जी, क्लियर है मामला? चलिए जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन देवियों और सज्जनों, है ना। ऑडियो वीडियो पूरी तरह क्लियर, करते हैं फिर सेशन को स्टार्ट। एक बार सभी बच्चे प्यार से मोहब्बत से सेशन को कर देंगे शेयर, है ना। मैं भी शेयर कर देता हूँ सभी टेलीग्राम ग्रुप में ना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी के अंदर शेयर कर दो फटाफट से ना। फिर करते हैं बढ़िया से प्यार से मोहब्बत से जी। अभी यार बच्चा पार्टी सही चल रहा होगा मामला, देखे जरा यार, इंटरनेट ने तो वाट लगा दी है भाई। मॉर्निंग वाली क्लास में दिक्कत आ गई थी, अभी भी दिक्कत आ गई, चेक करते हैं जरा ना। अनअकैडमी डिफेंस कोड, अभी तो क्लियर है ना, अभी क्लियर है मामला। चलिए फिर, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन सर, करते हैं कार्रवाई को स्टार्ट ना। ये मेरा प्यारा सा प्रोफाइल, अगर किसी को नहीं पता हो तो, वैसे ही बहुत डिले हो चुके है ना। और ये हमारी टीम का प्यारा सा अनअकैडमी प्लस का कोर्स है, अगर किसी को एनरोल करना हो तो कर सकता है ना। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़नी हो तो आ सकते हो तुम अनअकैडमी प्लस पे। ऑफर भी है, अंदर से अंदर ग्रैब करना चाहो तो ग्रैब कर सकते हो, ए वाई सर का प्यार भरा कोड लगा के, ठीक है जी। और जो चीज़ रिटर्न प्लस SSB की तैयारी कर रहे हैं वो ये ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। और क्या क्या मिलेगा भाई साहब तुम्हें प्लस पे ना? प्लस पे भाई साहब तुम्हें मिलेंगे सारी फैसिलिटीज़, है ना। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट, क्विज वगैरह, तो कुल मिला के तुम्हारी बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे कहाँ पे? अनअकैडमी प्लस पे। तो आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और आ जाइए अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, है ना, प्यार से मोहब्बत से, ठीक है भाई। तो ये तो कुछ प्यारी प्यारी बातें अनअकैडमी ऐप के बारे में। अब बात करते हैं आज के हमारे सेशन की, है ना, इसको बाद में रखेंगे। खुल जा सिम सिम, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हाँ जी, सिनोनिम भाई पूछा गया इसका, कोलोशल वर्ड का तुमसे सिनोनिम यार पूछा गया, बताओ देखे। फेमस, विगरस, एनर्जेटिक या फिर एनॉर्मस? जय हिंद बच्चे, जय हिंद। हाँ जी, क्या होगा इसका? मैं एक बार इसका रेजोल्यूशन चेक कर लेता हूँ। डी फोर डेल्टा, डी फोर डेल्टा बहुत ही बेहतरीन है ना। कोलोजल कहते हो फिर इनॉर्मस कहते हो, भाई दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। मतलब क्या होता है इसका? लार्ज, बिग, ठीक है, क्लियर है बात। फेमस है ना, वाइग्रस किसको बोलते हैं? एनर्जेटिक, वाइग्रस होना ना, वाइग्रा, वाइग्रा, वाइग्रा लेती क्या आती है भाई? एनर्जी आती है ना, तो वैसे वाइग्रस और एनर्जेटिक दूसरे के क्या है? सिनोनिम। तो वाइग्रा से तुम वाइग्रस है ना, विग्रस को याद रख सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है बात। अगला देखो, सेकंड नंबर, PQRS, जंबल सेंटेंस आ गया, जंबल सेंटेंस आ गया भाई ना। हाँ हाँ, ह्यूज वगैरह सब कुछ हो जाएगा, जंबल सेंटेंस है, अरेंज करो। कल भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने जंबल सेंटेंस के, तुम्हें अरेंज करना सिखाया भी था। बताओ देखिए फटाफट से ना, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, ये तो ये, या तो ये पता कर लो कि कहां से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है या फिर किस किस के पेर बन सकते हैं, है ना। इसको करने के दो तीन तरीके हैं, या तो स्टार्टिंग पता कर लो, या फिर एंडिंग पता कर लो, या फिर पेर बना के कर लो।
तीन तरीके होते हैं, मैंने तीनों तरीके तुम्हें बताए थे कल प्यार से मोहब्बत से, है ना। तो बताओ देखे, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। भाई साहब देखो, ए से स्टार्ट तो होगा नहीं, ए से स्टार्ट तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो ये तो वैसे ही कट। अब बच्चा बी से स्टार्ट है, डी से है, सी से है, सी से, देखते हैं जरा। बी से स्टार्ट करेगा, देखें, इट विल इम्पोर्ट टेक्नोलॉजिकल। भाई इट क्या आया, इट क्या है मेरे भाई, इट होता है प्रोनाउन, इट होता है प्रोनाउन, और प्रोनाउन किसी ना किसी नाउन के लिए तो आएगा। प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, कि ताकि नाउन कोई रिपीट ना हो, मतलब बी से पहले भी कोई सेंटेंस आया होगा तो बी से स्टार्टिंग नहीं होगी। डी में देखो, दिस विल हेल्प इन स्ट्रेंथन द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। भाई साहब इसके लिए इट थोड़ी यूज होगा, इट तो देखो यहाँ पे यूज हो ना, द इंडियन गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बॉडी के लिए, मैंने कहा था ना नॉन लिविंग है, तो उसके लिए इट का यूज हम लोग कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के लिए हम लोग इट का प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, यानी कि मेरे को पता चला सी के बाद में आएगा बी, सी के बाद में बी, कौन से ऑप्शन में, सी फॉर चार्ली में, तो सी फॉर चार्ली बिल्कुल ही राइट आंसर, प्यार से मोहब्बत से हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना, बढ़िया ढंग से। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन यार, है ना, अगला क्वेश्चन तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ये रहा थर्ड नंबर, स्पॉट द करेक्ट स्पेल्ड, है ना, फिनोमिना की तुमसे सही स्पेलिंग पूछी गई। भाई फिनोमिना की यार तुमसे सही स्पेलिंग पूछी गई है, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, कौन सी होगी फिनोमिना की सही स्पेलिंग। बी फॉर ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो, बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयंकर फिनोमेना, ना फिनोमेना मतलब कोई भी, है ना, घटना, कोई भी इवेंट, कोई भी, या फिर कोई भी चीज हैपनिंग होना, है ना, हैपनिंग। ठीक है, बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर है इसका, प्यार से मोहब्बत से, ना। अगला क्वेश्चन फोर नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर। डिवाइस, डिवाइस का तुमसे यार, है ना, इसका मतलब एक बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम पूछा गया है ना, इसका तुमसे सिनोनिम पूछा गया है। डिवाइस का मतलब क्या, डिवाइस का सिनोनिम लाइफ, डेथ, नाइस या फिर ब्लेसिंग। हाँ जी, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बी फोर ब्रेवो, बी फोर ब्रेवो, बहुत ही भयंकर, बहुत ही सही आंसर। डिवाइस मतलब भाई साहब डेथ, डिवाइस मतलब डेथ है ना, और बाकी तो बहुत ही प्यारे प्यारे कॉमन कॉमन से ऑप्शन है ना, लाइफ, जीवन, नाइस, ब्लेसिंग, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा वार्टी फाइव नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर, देखो जरा, ईडीएम है ना, मुझे वन वर्ड पूछा गया तुमसे, वन वर्ड पूछा गया, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनल पार्ट फ्रॉम ए बुक। जैसे कई बार होता है ना कि मतलब मान लो किसी राइटर ने बुक लिख दी, तो किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये पार्ट गलत है, ऐसे गलत लिखा हुआ, इसको हटाओ ना, इसको रिमूव करो। मूवीज वगैरह में भी होता है ना ऐसा, कई बार सेंसर बोर्ड बैठता है, कहता है भाई, है ना, ये पार्ट ऑब्जेक्शनल है, इस पार्ट को रिमूव करो, इस मूवी से काट दो ना, तो वो का वो सेम पूछा गया। क्या बोलते हैं, एक्सटर्मिनेट, एक्जिपरगेट, रिपेल या फिर डिस्ट्रॉय। बी फॉर ब्रेवो बिल्कुल सही आंसर है, एक्सपरगेट मतलब भाई साहब होता क्या है, संशोधित करना किसी चीज को, संशोधित कर देना। ठीक है, एक्सटर्मिनेट मतलब भाई साहब क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय करना किसी को। ये ए और डी तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे, सिनोनिम हो जाएंगे प्यार से मोहब्बत से। और रिपेल, रिपेल तो अट्रैक्ट करना, रिपेल मतलब एक तरह से रद्द करना, डिनाई, रद्द करना किस चीज को, ना। ठीक है जी, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ नंबर, ये रहा फिर तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर, देखो जरा फटाफट से। सिक्स नंबर में भाई साहब कह रखा है, प्रोबली बाई द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएसए विद बैग एंड, है ना, बैगेज, विद बैग एंड बैगेज। कह रहा है प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है कि इस ईयर के एंड तक वो यूएसए, है ना, ही विल
लीव फॉर यूएसए, वो यूएसए में चला जाएगा बैग एंड बैगेज के साथ। बैग एंड बैगेज बच्चे एक idiom होता है, इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर, है ना, कि अपना बोरिया बिस्तर भाई साहब यहाँ से बांधेगा और यूएसए चला जाएगा इस ईयर के एंड तक। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तर, सुना होगा ना कि अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकल लो यहाँ से, है ना, तो बैग एंड बैगेज बोलते हैं उसको, बोरिया बिस्तर। बताओ जी क्या एरर है इसमें? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, हाँ जी अल्फा ब्रेवो चार्ली या डेल्टा, सी फोर चार्ली, बहुत ही बेहतरीन आंसर अभिजीत का ना, विद नहीं आएगा भाई, विद को मारो काटा। बैग एंड बैगेज के साथ में कभी भी विद का यूज नहीं होगा, ये बात याद रखना, अपने भेजे में फिट रखना, ठीक है, क्लियर है बात। बैग एंड बैगेज के साथ में कभी भी विद नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, देखो जरा, बताओ। ही इज वेरी एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक, कह रहा है यार वो मेरे से बहुत ही गुस्सा है ना, क्यों? बिकॉज मैं उसकी बुक रिटर्न नहीं कर पाया, इसलिए वो मेरे से खफा है, इसलिए वो मेरे से गुस्सा है ना। तो ये तो बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बारी करा दिया, ये तो बहुत बारी करा दिया, कॉन्सेप्ट बहुत बारी हो चुका है इसका। लगाओ देखे दिमाग, दिमाग की बत्ती जलाओ और इस प्यारे सवाल का आंसर पाओ ना, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, ए फॉर अल्फा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन भाई साहब। एंग्री आए तुम्हारे साथ होता ना, या फिर अनोय आए, याद क्या रखना है, इसके साथ में या तो विद का यूज होगा या फिर भाई एट का यूज होता है। विद का यूज तो कब होगा? जब आप किसी इंसान से गुस्सा होगे, समवन, और एट का यूज कब होगा? जब आप किसी चीज से गुस्सा होगे, समथिंग। तो भाई वो मेरे से गुस्सा है तो मैं तो इंसान ही हूँ, समवन है, तो क्या आएगा? एंग्री विद मी, ही इज वेरी एंग्री विद मी बिकॉज आई फेल्ड टू रिटर्न हिज बुक, ए फॉर अल्फा हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है जी भाई साहब, क्लियर है बात सभी को, देवियों और सज्जनों। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चे वार्टी 8 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर, बताओ देखे फटाफट से कौन से पार्ट में होगी ये लेना एरर। देयर लगेज विच वर कैप्ट इन द लॉकर्स वर लेटर रिट्राइव्ड, हाँ जी अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, विच वन इज द एरर पार्ट? दिमाग की बत्ती जलाओ और सवाल का आंसर बताओ ना। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बारी हो चुका है भाई साहब, हाँ जी ये कॉन्सेप्ट भी यार बहुत बारी हो चुका है, प्यार से मोहब्बत से। बताओ देखे, दिमाग की बत्ती जलाओ और सवाल का आंसर बताओ। सी फॉर चार्ली, ए फॉर अल्फा। देखो जी क्या कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो तुम्हें बताया था प्यार से मोहब्बत से, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में यार जो वर्ब या फिर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? इससे पहले आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और ये सब्जेक्ट क्या? लगेज। लगेज सिंगुलर है कि प्लूरल है? लगेज तो भाई साहब सिंगुलर नाउन होता है, जब नाउन सिंगुलर है तो भाई साहब क्या होगा? वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी। जब नाउन सिंगुलर तो भाई वर्ब भी कैसी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, प्यार से मोहब्बत से। तो देयर लगेज विच वॉज कैप्ट इन द लॉकर्स वर लेटर रिट्राइव, ए फॉर अल्फा, राइट आंसर प्यार से मोहब्बत से। क्लियर है बात सभी को, हाँ जी। चलिए फिर देवियों और सज्जनों, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। 9 नंबर में भाई साहब क्या रखा है? विद लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कह रहे कुछ क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क के साथ में प्रोजेक्ट को भाई सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया।
अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? हाँ जी, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। लेट मी नो दी आंसर वंसर, फटाफट फटाफट बच्चा वार्टी। कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी? बी फोर ब्रेवो, बी फोर ब्रेवो, बी फोर बोल। देखो जी, सुनो मेरी बात, तुमने पढ़ा है फ्यू और लिटिल का केस? फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। और अगला लिटिल, ए लिटिल एंड भाई साहब द लिटिल। अब देखना प्यार से मोहब्बत से, फ्यू का यूज तो भाई हम लोग करते हैं जब काउंटेबल नाउन की बात हो, काउंटेबल नाउन की बात हो। लिटिल का यूज करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, अनकाउंटेबल नाउन की बात हो प्यार से मोहब्बत से। और फ्यू और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, जब ना के बराबर की बात हो, नथिंग की बात हो। ए फ्यू और ए लिटिल का भाई साहब यूज होता है जब कुछ कुछ की बात हो, समथिंग समथिंग की बात हो, समथिंग समथिंग। और दा फ्यू और दा लिटिल भाई साहब जब कंप्लीट सेंस हो तब यूज होता है। अब सेंटेंस में क्या बोला गया है? विद लिटिल क्रिएटिविटी, कि कुछ क्रिएटिविटी और हार्डवर्क, हार्डवर्क के साथ। अब और लिटिल यूज करेंगे तो लिटिल का मतलब तो भाई ना के बराबर क्रिएटिविटी, लिटिल यूज करेंगे तो लिटिल का मतलब तो ना के बराबर नथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिखाई होगी, समथिंग समथिंग क्रिएटिविटी दिखाई होगी ना। तो समथिंग समथिंग के लिए कौन सा यूज होता है भाई साहब? समथिंग समथिंग के लिए यूज होगा ए लिटिल। विद ए लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क दिस प्रोजेक्ट है कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो ए फॉर अल्फा हो जाएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल ही प्यार से, बहुत ही भयंकर तरीके से, मोहब्बत से। गॉट माई आंसर? क्लियर है बात? आया समझ में कॉन्सेप्ट? हाँ जी, कॉन्सेप्ट समझ में आया देवियों और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों? चले फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, फिर अगले क्वेश्चन पे सर, समथिंग समथिंग ना बोल रहे, समथिंग समथिंग नथिंग नथिंग है, क्या करूं भाई, कुछ कुछ होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर यार, तो मैं इसका नरेशन चेंज करना है बच्चे ना, चेंज दी नरेशन। रितु सेड टू यू, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। रितु ने तुमसे कहा कि आज तुम बवाल लग रहे हो, बवाल है ना, और तुम अपने मतलब तुम्हारा जो तुम सातवें आसमान में उठ रहे फिर है ना, कि रितु ने तो आज तो बड़ाई कर दी है। करो देखे, इसका नरेशन चेंज करो। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? ए फॉर अल्फा। भाई साहब सिंपल सेंटेंस है, सेड टू जाएगा टोल्ड में, यहां तक तो मामला सभी में बराबर बराबर है। अब यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट में यू है तो यू का यू ही रहेगा। और भाई नरेशन के अंदर क्या होता है, टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट का पास्ट, कम पास्ट का ज्यादा पास्ट। तो भाई इजमार किस में जाएगा? इजमार जाएगा वोज वर में, प्यार से मोहब्बत से। तो रितु टेल्ड यू दैट यू वर लुकिंग वेरी, है ना, जमार का किसमें जाएगा? वोज वर्ब में जाएगा। रितु टोल्ड यू दैट यू वर लुकिंग वेरी प्रीटी। ए फॉर अल्फा, राइट 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 आंसर, ठीक है। ए फॉर अल्फा भाई साहब हो जाएगा सवाल का प्यारा सा जवाब हमारे पास, है ना। एक्स वाई का रिजल्ट यार कुछ भी नहीं कह सकते ना, सब कुछ एयरफोर्स वालों के हाथ में है ना। जहां तक पॉसिबिलिटी थी कि 18 अगस्त तक आ जाना चाहिए था, अब 18 अगस्त का तो भाई साहब मैंने, आज तो 25 अगस्त हो गई है, तो कुछ भी अब कह नहीं सकते। जब भी आएगा अचानक से आएगा, बिकॉज जो पीएसएल है वो भी डिले हो रही है ना, ये जो सॉरी एनरोलमेंट, पीएसएल तो आ गई, एनरोलमेंट लिस्ट डिले हो रही है जो पिछले इनटेक की, फिर रिजल्ट डिले हो रहा है, तो सब कुछ एयरफोर्स वाले डिले कर रहे हैं। देखते हैं क्या रहता है कैसे, है ना, कुछ भी कन्फर्म हम लोग नहीं बता सकते अभी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर, फिर 11 नंबर पे गौर फरमाओ यार, है ना यार, इसका तो मैं वॉइस चेंज करने को बोला गया है। वाई डू यू वेस्ट टाइम?
नेक्स्ट वैकेंसी का थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि ना, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि सितंबर लास्ट वीक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में तुम्हें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट इनटेक का। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन है, आइडिया है, हिंट है, मतलब हो सकता है मैंने सही भी हो जाए, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं, बाकी कुछ भी कंफर्म नहीं है ना इसका। हाँ जी वॉइस चेंज करो इसका फटाफट फटाफट। देखो वॉइस और नरेशन का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो 2 सेकंड में मात्र और मात्र आंसर आना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट बिकॉज मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें वॉइस और नरेशन का जब भी क्वेश्चन आए बच्चे, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, है ना। और एलिमिनेशन मेथड लगा के तुम फटाफट से मात्र और मात्र 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो वॉइस और नरेशन का। अब बताओ देखे क्या होगा इसका आंसर। ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, बहुत ही भयंकर भाई साहब। वाई का वाई डू डज किस में जाएगा, आईजेमआर में जाएगा। डी वाले में क्या भाई, बींग दे रखा है। बींग कब आता है, जब यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म होती है, काटा मारा। बीन तो बी की थर्ड फॉर्म होती है, काटा मारा। ए फॉर अल्फा राइट आंसर। तीन ऑप्शन को मैंने काट दिया, चौथा जो बच गया वो अपने आप आंसर हो जाएगा, खत्म बात, है ना। वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन भाई ऐसे ही डील करना होता है, तीन को काटा मारो, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, प्यार से मोहब्बत से, ठीक है जी। चलिए फिर देवियों और सज्जनों अगले क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ अक्विट, है ना। अक्विट की यार नाउन फॉर्म क्या होगी, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ अक्विट, है ना। अक्विट का तुम्हें लिखा है ना, अक्विट मतलब किसी को ब्लेम फ्री करना, रिहा करना, या फिर दोष मुक्त करना किसी को ना, दोष मुक्त करना। एक्विट तो भाई साहब होती है वर्ब, ये तो है वर्ब। अब इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, सी फॉर चार्ली। बाकी देवियों और सज्जनों का क्या मानना है इस बारे में, क्या सी फॉर चार्ली को गोल कर दे भाई साहब। इसका राइट आंसर होगा डी फॉर डेल्टा, एक्विटल। एक्विटल भाई साहब होगी इसकी नाउन फॉर्म, प्यार से मोहब्बत से, ठीक है जी। डी फॉर डेल्टा विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा क्वेश्चन यार, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन यार 30 नंबर, ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ जी, इस ईडियम का तुमसे यार मीनिंग पूछा गया है, हे हॉट पोटेटो, ए हॉट पोटेटो। इस ईडियम का मीनिंग क्या होगा, ए वॉर लाइक सिचुएशन, ए कॉमनली अटरली बट फेवर्ड बाई सेलिब्रिटीज, ए कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन विच इज रिक्वायर्ड टू डील विद, और सेलिब्रिटी हु कीप्स गेटिंग इन टू सम और अदर कॉन्ट्रोवर्सी। हॉट पोटेटो, गरम आलू, दिमाग की बत्ती जलाओ और आंसर पाओ। हाँ जी देवियों और सज्जनों, हुआ कोई जुगाड़ है, हुआ कोई जुगाड़ है, कर दें फिर गोल। सी फॉर चार्ली, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भयंकर, है ना। ए हॉट पोटैटो मतलब कोई कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन है ना, जिससे कि डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, जिससे डील करना भाई साहब थोड़ा सा डिफिकल्ट 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 हो रहा है, ठीक है। सी फॉर चार्ली विल बी राइट 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 आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्यारा सा क्वेश्चन। अगला देखो फिर 14 नंबर, ये रहा तुम्हारे सामने 14 नंबर भाई का रखा है, इफ आई ब्लैंक स्पेस ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। कह रहा है अगर मैं डॉक्टर होता तो भाई तो मैं गरीब लोगों की क्या करता, सेवा करता। रात को भाई आज 2 क्लास होंगी ना अन अकेडमी ऐप पे, आज 2 क्लास होंगी फ्री वाली, है ना। एक तो 9 बजे होगी 9 PM पे, और एक होगी 10 PM पे, अन अकेडमी ऐप के ऊपर आज होंगी 2 प्यारी प्यारी फ्री फ्री क्लासेस, ठीक है।
ये बताओ, एफ आई ब्लैंक स्पेस से डॉक्टर, अगर मैं एक डॉक्टर होता तो मैं गरीब लोगों की सेवा करता। एम हैड वर या वोज, ये तो बहुत बारी सुना होगा ना कि अगर मैं ये होता तो ये कर देता, ये होता तो ये करता ना। डी फॉर डेल्टा, अरे नहीं यार, डी फॉर डेल्टा नहीं भाई साहब, सी फॉर चार्ली होगा यार, क्या बात कर रहे हो। ये सुना होगा ना, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई विल डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान, है ना। ऐसे सेंटेंस बचपन में तुम्हें टीचर ने कराए होंगे ना, कि अगर जब भी तुम खुद को किसी दूसरे की जगह मान रहे हो ना, ज्यूम कर रहे हो, उस केस में वर आता है। ठीक है, तो तुम खुद को एक डॉक्टर अज्यूम कर रहे हो, खुद को मान रहे हो, खुद की इच्छा जता रहे हो कि ना यार काश मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीब लोगों की सेवा कर पाता, करता है ना, समझ रहे हो। तो जब भी खुद को दूसरे की जगह ज्यूम करो, दूसरे की जगह रखो, उस केस में बच्चा हमेशा वर का यूज करेंगे, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, डिस्ट्रॉय तालिबान, तालिबान को भी करेंगे, वेट करो, वेट फॉर दिसंबर 2022, है ना, दिसंबर 2022 का वेट करो और देखो फिर कमाल, है ना। ज्यादा सोच लिया हो सकता है। 15 नंबर बताओ देखे, इट इज टाइम यू ब्लैंक स्पेस होम, कह रहा भाई ये सही समय तुम्हें जाना चाहिए घर। डू यू नो, मैंने भाई साहब दिसंबर 2022 क्यों बताया है रे? पता है तुम में से किसी को मैंने दिसंबर 2022 का टाइम क्यों दिया है? ए फॉर अल्फा, अरे यार बहुत ही चिंदी सा प्यारा सा लल्लू सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सुनो मेरी बात देवियों और सज्जनों, नहीं, कश्मीर तक नहीं आएंगे वो। पहले देखो क्वेश्चन देता हूँ भाई साहब, जब भी तुम्हारे पास में इट इज टाइम आए, इट इज अबाउट टाइम आए, या फिर भाई इट इज हाई टाइम आए, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम, जब भी तुम्हारे पास में ये ऐसे सेंटेंस आते हो सेंटेंस में ना, मतलब सेंटेंस में, तो उस केस में हम लोग हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, प्यार से, मोहब्बत से। पास्ट सिंपल बोले तो जी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन। इट इज टाइम यू, सॉरी, इट इज टाइम यू वेंट होम। ठीक है, पहली बात तो यह है इसका कॉन्सेप्ट, है ना। ठीक है, मैंने यार दिसंबर 2022 भाई साहब क्यों बोला है, बिकॉज देखो इंडिया भी यूएनओ का मेंबर है ना, यूएनओ के अंदर 15 कंट्री ऑपरेट करती हैं, 5 तो परमानेंट है जिनके पास में वीटो पावर है, 10 जो अस्थाई मेंबर रहते हैं, उसमें इंडिया भी है अभी के लिए 2 साल के लिए ना। तो इंडिया के पास एक तो अध्यक्ष था, इंडिया अध्यक्ष अभी अगस्त में है ना, इंडिया भी यूएनओ को भाई अध्यक्ष है अगस्त में, अगला जब अध्यक्ष बनेगा इंडिया वो बनेगा दिसंबर 2022 के मंथ में, तो उस टाइम इंडिया करेगा क्या करेगा, यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स उतार सकता है तालिबान में, है ना, जिसमें जितने भी वर्ल्ड की, मतलब यूएनओ के जितने मेंबर है ना, उनकी सभी की सेनाएं वहां पे भेजनी पड़ती हैं। ठीक है, यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स में है ना, तो इंडिया हो सकता है कि दिसंबर 2022 में जब दोबारा अपना क्या बनेगा, मतलब प्रेसिडेंट बनेगा, अध्यक्ष बनेगा यूएनओ का, उस टाइम हो सकता है कि वो पीस कीपिंग फोर्स उतार दे और तालिबान का खात्मा कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर, द न्यूज वॉज ब्लैंक स्पेस गुड टू बी ट्रू, अभी क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे का रीजन ये है, बिकॉज अभी करना बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी होगी ना, अभी करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, बिकॉज देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है वहां की, कैसे चीजों को है ना टेकल किया जाए, अभी तो अमेरिकन फोर्सेस भी वहां से ना वापस आ रही है, तो अभी के लिए जो लोग निकलना चाह रहे हैं ना अफगानिस्तान से, उनको निकालना प्रायोरिटी पे, जो लोग आना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से दूसरे कंट्रीज में, उनको निकालना प्रायोरिटी पे, बाद में जब एक बार सारे सिचुएशन कंट्रोल पे आएगा उसके बाद में चीजें टेकल करना सही होगा, है ना, अभी करना थोड़ा जल्दबाजी होगा। सी फॉर चार्ली, द न्यूज वॉज गुड टू बी ट्रू,
सी फॉर चार्ली। अरे नहीं यार, अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो भाई। मेरे टू और टू का पेयर होता है, तुमने पढ़ा नहीं है? एडवर्ब में पढ़ा होगा, कंजक्शन में पढ़ा होगा, है ना। सो और दैट का पेयर होता है और टू और टू का पेयर होता है भाई, ठीक है। बी फोर ब्रेव होगा राइट आंसर, है ना। टू और टू का पेयर होता है भाई, और सो और दैट का पेयर होता है। तो बी फोर ब्रेवो हो जाएगा इसका क्वेश्चन का प्यार भरा प्यार से प्यारा सा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो फिर, 17 नंबर, प्यार से मोहब्बत से। ही इज एनवियस ब्लैंक स्पेस ऑफ माई अचीवमेंट्स, है ना। कह रहा भाई वो मेरी जो अचीवमेंट्स हैं उनसे जलता है। एनवियस मतलब जलन फील होना, जेलेसी। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? राम राम भाई, राम राम। एनवेस टू फॉर ऑफ या इन? आंसर बोल दिया, कब बोल दिया मैंने आंसर, कब बोल दिया मैंने? तो एनवेस का मीनिंग है ना, एनवेस का मीनिंग बताया, जेलेसी। ए फॉर अल्फा, अच्छा जी, ए फॉर अल्फा। कर दें गोल, कर दें गोल भाई मेरे। ए फॉर अल्फा नहीं, सी फॉर चार्ली, सी फॉर चार्ली। ऑफ बोला था, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई ना। एनवीएस के साथ क्या आएगा? ऑफ आता है भाई, फिक्स प्री पोजिशन है ना ये। क्या आएगा? ऑफ आएगा, फिक्स प्री पोजिशन है बच्चे, ठीक है जी, क्लियर है बात। अगला देखो फिर, 18 नंबर, प्यार से मोहब्बत से। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ स्प्रूस, है ना। इसका मतलब होता क्या? बोगस, नकली, फेक। इसकी तुमसे नाउन फॉर्म पूछी गई है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बताओ देख इसका नाउन फॉर्म, है ना। ये खुद तो क्या है, ये वर्ब है, सॉरी वर्ब बता रहा हूँ, एडजेक्टिव, है ना। अब बताओ, मोहब्बत धोखा दे गई है, तुमने ऐसी मोहब्बत की क्यों? ए बी फॉर ब्रेवो। क्या घोटाला कर रहे हो तुम भाई साहब। अभिजीत गया कि है? अभिजीत प्लस वाली क्लास में पढ़ाया था ना, नेस लग जाए तो क्या होता है, नाउन बनेगा कि नहीं बनेगा? नेस लग जाने तो नाउन बनते हैं भाई साहब। ए फॉर अल्फा राइट आंसर होगा इसका, प्यार से मोहब्बत से, ठीक है जी, क्लियर है बात। चले फिर, देवियों और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, अगले क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। अगला देखो, 19 नंबर, फिर जंबल सेंटेंस है, अरेंज करना है, करो देखे दम लगा के। हईशा, अरेंज वरेंज कर डालो उसको। तुम लोग तो ये पता कर लो सर, स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है ना, और फिर अपने आप हो जाएगा। स्टार्टिंग का एंडिंग का पता कर लो, आंसर तुम्हारा अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, हुआ कोई जुगाड़ है? नाइनटीन का बताओ तो, खैर फटाफट से। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आवर पॉलिसीज हैज बिन लाइक द प्रोवर्बियल पिजन, क्लोज इट्स आई इन द होप विच ऑन नोटिसिंग दैट कैट इन द फ्रंट ऑफ दैट इट्स लाइफ विल बी सेपरेट, है ना। कह रहा है हमारी पॉलिसी किस तरह है, एक ऐसे कबूतर की तरह है जो आंखें बंद करके सोचता है कि उसके सामने जो बिल्ली है वो उसे बख्श देगी, है ना।
हमारी पॉलिसी बिल्कुल इस तरह है, सी फॉर चार्ली। भाई साहब देखो, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आर से हो सकती है क्या? विच? इंट्रोगेटिव तो है नहीं यार, है ना? इंट्रोगेटिव जब है नहीं, कहीं साइन है नहीं, तो आर से स्टार्टिंग होगी नहीं। बी और डी और तो वैसे ही कैंसिल। फिर देखो ए और ये सी है ना, कह रहा है आवर पॉलिसीज हैज बीन लाइक द प्रोवर्बियल पिजन, पी के बाद में आर, पिजन विच ऑन नोटिसिंग द कैट इन द फ्रंट ऑफ फिट, दैट कैट इन द फ्रंट ऑफ इट क्लोज इट्स साइज इन द होप ऑफ दैट दैट इट्स विल इट्स लाइफ विल बी सेपरेट, सी फॉर चार्ली है ना। इट आ गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चाहिए, तो वर्ब तो क्यू वाले में थी, इसमें तो ये है ना, तो आर के बाद में क्या आएगा? क्यू का आएगा भाई, सी फॉर चार्ली राइट आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, सी फॉर चार्ली विल बी राइट 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 आंसर। अगला देखो 20 नंबर, नरेशन तुम्हें इसका चेंज करना है, करो देखे प्यार से मोहब्बत से। साहिल सेड वेयर विल यू बी, वेयर विल ही बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, कह रहा है वो अगले साल इस समय कहाँ पे होगा। नरेशन नरेशन चेंज करो इसका ना, हैं जी, नरेशन वरेशन चेंज करो भाई साहब इसका ना, फटाफट फटाफट सभी बच्चे प्यार से मोहब्बत से इसको वाल का आंसर बताएंगे ना। और यही दो यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। हुआ कोई जुगाड़? ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा। भाई साहब इंट्रोगेटिव है ना, आस्क आएगा, खत्म यार खत्म। विल का पास्ट वुड होगा, दिस का दैट होगा, खत्म। नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर नहीं रहता भाई, फॉलोइंग ईयर में जाता है ना, ठीक है ना। ए फॉर अल्फा राइट आंसर। 21 ऑपोजिट मीनिंग पूछा गया ऑपुलियंस का ना, ऑपुलियंस का बच्चे ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम, बताओ देखे प्यार से मोहब्बत से क्या होगा। लास्ट ईयर का क्या होगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसका बताओ देखे ना, ऑपुलेंस का एंटोनिम क्या होगा? हिंट, क्या हिंट लोगे यार ना? भाई साहब देखो ऑपुलेंस बोलते हैं पैसे वाली पार्टी को ना, ऑपुलेंस रिंच रिच एफ्लुएंट भी कहते हैं उसको ना, मतलब वेल्दी। ये सारे के सारे सिनोनिम है, एंटोनिम पूछा गया भाई ना, गरीबी। लग्जरी तो भाई साहब ये भी सिनोनिम हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी, जैसे ट्रांसपेरेंसी होता है ना जिसके आर पार तुम देख पाओ, है ना, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, है ना, लेकिन होती नहीं है। अगला देखो फिर प्यार से मोहब्बत से, 2020-2022 ये रहा तुम्हारे सामने। करेक्ट स्पेलिंग यार पूछा गया है तुमसे बच्चे इसका ना, मैरक्यू, मैरक्यू बोलते हैं खेमे को, है ना, खेमा जैसे होता है ना आर्मी का खेमा है भाई, है ना, ये मैरक्यू का सही स्पेलिंग कौन सा होगा? अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, बताइए देखे प्यार से मोहब्बत से, देवियों और सज्जनों, भाइयों और उनकी बहनों, क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्वेंटी टू डी फॉर डेल्टा,
नहीं भाई साहब, डी फॉर डेल्टा नहीं, ए फॉर अल्फा इसका हो जाएगा। राइट 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 आंसर प्यार से मोहब्बत से। मैर क्यों मतलब खेमा है ना, या फिर यूनिट भी आप कह सकते हो, इकाई। अगला देखो फिर यार, 23 बहुत ही प्यारा सा पैसेज है ना, पढ़ो इसको मक्खन लगा के और आंसर बताओ। पहले पैसेज को पढ़ लो आराम से और फिर थोड़ा आंसर वंसर इसका पता करने का तुम लोग ट्राई व्राई करो ना। खेमा मतलब एक तरह से नहीं होता है भाई, ये आर्मी का एरिया है, आर्मी का खेमा है ना, खेमा वो होता है ना, एरिया टाइप, ठीक है, उसको बोलते हैं खेमा। इसका बताओ फटाफट से। 23, आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन एल्बर्ट केम आउट वरीड अबाउट। सी फॉर चार्ली, देखो पैसेज को पढ़ते हैं। आफ्टर सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन एल्बर्ट कम आउट एंड टुक द लॉन्ग नैरो रोड लीडिंग टू रेलवे स्टेशन विच वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड इन द सिटी। कि भाई एल्बर्ट ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया कंपनी में और रोड की तरफ चला, और वो रोड कौन, रेलवे स्टेशन की तरफ वो रोड जा रही थी और वो सिटी की, पूरी सिटी की सबसे बिजी रोड थी, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यहाँ पे ना। सैड एंड डिप्रेस एंड वरीड अबाउट लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। सैड लग रहा था, डिप्रेस लग रहा था, और अपनी नई जॉब के लिए तलाश कर रहा था। अल्बर्ट लुक अराउंड फॉर ए सिगरेट शॉप। अल्बर्ट ने देखा आसपास कहीं सिगरेट मिल जाए तो दोस्त सट्टे लगा ले, है ना। ही वॉक अप टू द एंड ऑफ द रोड बट फाउंड नो टबैको, है ना। उसने भाई पूरी रोड को तय किया लेकिन भाई उसको अभी तक भी मतलब है ना सिगरेट नहीं मिली, टोबैको वहाँ पे था ही नहीं कहीं भी। इट वॉज ओड दैट सच ए बिजी थ्रो फेयर विद थाउजेंड ऑफ पीपल पासिंग थ्रू डिड नॉट इवन हैव सिंगल सिगरेट शॉप, है ना। उसने सोचा है इतनी ज़्यादा बिजी रोड है, इतने सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं दिन भर, और यहाँ पे एक सिगरेट की दुकान तक नहीं है ना। ही सडनली फेल्ट दैट इट वॉज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर हिम टू हंट फॉर ए जॉब। उसने अचानक सोचा कि यार ना कि क्यों जॉब में क्लास क्लास कर रहा हूँ, यही जॉब कर लेंगे ना। तो ही डिसाइडेड टू ओपन ए टोबैको शॉप हिमसेल्फ। उसने एक तंबाकू की दुकान खोल ली। इट वॉज बाउंड टू बी प्रॉफिटेबल ही फेल्ट। उसने सोचा कि ये ना प्रॉफिटेबल होगा बढ़िया ढंग से। तो भाई जब रेजिग्नेशन सबमिट किया तो क्या सोच रहा था भाई, वो सोच रहा था जॉब वॉब मिल जाए कोई, है ना, बढ़िया से। अगला देखो 24। अल्बर्ट वॉज सैड एंड डिप्रेस बिकॉज। अल्बर्ट सैड एंड डिप्रेस क्यों था? हाँ जी, वाई डिड दी अल्बर्ट वॉज सैड एंड डिप्रेस, क्या हो गया था अल्बर्ट के, क्या अल्बर्ट की गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई थी इसको? अरे क्या अल्बर्ट की दुल्हन गायब हो गई थी उसके मंडप से? डी फॉर डेल्टा। देखो भाई ना, अल्बर्ट भाई साहब सैड एंड डिप्रेस कहाँ से हुआ था, वो भाई साहब सैड एंड डिप्रेस यहाँ पे हुआ था किस लिए? बिकॉज यार एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी उसका ना। सैड एंड डिप्रेस बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट फाइंडिंग ए न्यू जॉब, है ना, कि यार एक नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे मिलेगी, कैसे पैसे आएंगे, ना समझ रहे, दिक्कत हो जाएगी बेचारे के। अगला देखो 25, फिर प्यार से मोहब्बत से। देर वॉज नो सिगरेट शॉप ऑन दैट रोड बिकॉज, उस है ना जो रोड पे एक भी सिगरेट शॉप नहीं थी, क्यों क्यों शॉप नहीं थी ना। बताओ देखे, दिमाग का दही करके दिखाओ और सवाल का आंसर बताओ, है ना, करो देखे फटाफट दिमाग का दही। हाँ जी, अल्फा ब्रेवो चार्ली या डेल्टा, उस रोड पे कोई भी सिगरेट शॉप क्यों नहीं थी? भाई साहब देखो, इसका कोई डायरेक्टली पैसेज के अंदर आंसर है नहीं, थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ। स्मोकिंग इज बैंड इन दैट एरिया, भाई स्मोकिंग उस एरिया में बैन थोड़ी था, अगर बैन होता तो अल्बर्ट दुकान कहाँ से खोलता, ए नहीं होगा। इट वॉज ए वेरी नैरो रोड, नैरो रोड थोड़े थे भाई साहब, बहुत ही ब्रॉड था, बहुत ही बीजी रोड था वो ना, काटा मारो। सिगरेट शॉप ओनर्स डू नॉट मेक एनी प्रॉफिट, भाई साहब जब तक किसी ने खोली नहीं थी तो पता क्या चलेगा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। बी फॉर ब्रेवो राइट आंसर, जस्ट बाई चांस नो बडी हैड ओपन ऑन दैट रोड,
भाई किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया सिगरेट की शॉप भी खोले, तो इसलिए वहां पे नो सिगरेट की शॉप नहीं थी। अल्बर्ट का ध्यान गया तो उसने खोल ली प्यार से मोहब्बत से। ठीक है, तो सी बी फॉर ब्रेवो होगा इसका राइट आंसर। बढ़िया बढ़िया ढंग से है ना। तो देवियों और सजनो अब सुनना मेरी बात बहुत ही प्यार से, बहुत ही मक्खन लगा के ना। अब मिलेंगे कहाँ पे? अब मिलेंगे अन अकेडमी प्लस की क्लास पे 4:30 PM पे ना। जो बच्चे अन अकेडमी प्लस पे हैं वो आ जाएं प्यार से मोहब्बत से, जो बच्चे प्लस पे नहीं हैं वो बच्चे एनरोल कर सकते हैं अन अकेडमी प्लस पे प्यार से मोहब्बत से ना। अभी एनरोल करोगे तो ऑफर भी है, 12 मंथ पे 2 मंथ फ्री चल रहा है, 24 पे 4 मंथ फ्री है। तो ए वाई सर का कोड लगाइए और अन अकेडमी प्लस पे आ जाइए। ठीक है, प्लस पे तुम्हारे सर ये सारी चीज़ तुम्हें मिलने वाली है ना। कुल मिला के तुम्हारी बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे कहाँ पे? अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, आउट ऑफ पैसेज थोड़ा था भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना था है ना। और भाई इसके अलावा देखो अन अकेडमी वेब पे फ्री क्लासेस भी होती है ना, जैसे यूट्यूब पे फ्री हो रहा है वैसा वैसा फ्री क्लास भी भाई होती है अन अकेडमी ऐप के ऊपर रोजाना रात को 9 बजे मेरी है ना। तो जिन बच्चे ने मेरे को अन अकेडमी ऐप पे फॉलो नहीं किया भाई, वीडियो के जाना डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दिखेगा, लिखा होगा अंकित सर अन अकेडमी प्रोफाइल लिंक, लिंक पे क्लिक क्लिक मारना, फॉलो वॉलो कर लो, जिससे कि फ्री क्लास की अपडेट तुम लोगों तक आ जाए प्यार से मोहब्बत से है ना। और पहली बार अन अकेडमी ऐप पे आओगे तो बच्चे तुमसे कोड मांगते हैं ना फ्री क्लास देखने के लिए। पहली बार आओगे तब कोड मांगेगा, तो पहली बार के लिए कोड लगा सकते हो क्या? ए वाई सर का कोड लगा सकते हो और फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, अन अकेडमी ऐप के ऊपर तुम क्विज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो है ना। और सबसे जरूरी बात, हमारी टीम का यार बहुत ही प्यारा सा टेलीग्राम है, उसको जरूर ज्वाइन करना। अन अकेडमी डिफेंस कोड नाम है ना, क्या नाम है? अन अकेडमी डिफेंस कोड टेलीग्राम का, उसको भाई साहब जरूर ज्वाइन करना है ना। और बच्चे ये अन अकेडमी प्लस की प्राइस है 1 month 3 months 6 12 24, बहुत ही कम फीस है, और भी कम हो जाएगी। हैव ए रेफरल कोड वाले में ए वाई सर का कोड वोड लगा देना, तुम्हारी फीस और भी कम हो जाएगी है ना। चिल, अरे मैं तो सारा दिन चिल करता रहता हूँ, मेरी टेंशन मत लो तुम लोग है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन गाइस। सभी बच्चे जिन्होंने अब तक सेशन को लाइक वाइक नहीं किया लाइक वाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और टेलीग्राम जो मैंने तुम्हें बताया है अन अकेडमी डिफेंस कोड उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें क्लासेस की पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, तो तुम्हारी बंद किस्मत के दरवाजे खुलते रहेंगे। अब मिलेंगे 4:30 PM पे तो अन अकेडमी प्लस पे है ना, और फिर रात को 9 बजे मिलेंगे अन अकेडमी की अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लास में, और कल मॉर्निंग में 9 बजे अन अकेडमी की है ना यूट्यूब की द्वारा फ्री क्लास में ना, जीरो टू हीरो सेशन में। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद अन अकेडमी प्लस पे। टिल द टाइम